नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम अपने चैनल पे बात करेंगे ग्रे हेयर्स की, यानी कि बालों का असमय सफ़ेद होना। हम देखते हैं कि आजकल जो टीनेजर्स हैं उनके बाल भी बहुत ज़्यादा सफ़ेद होने लगे हैं, यानी कि कम एज में ही अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो आप इस ट्रीटमेंट को ज़रूर से ट्राई करिए। आप 2-3 महीने अगर इस ट्रीटमेंट को करते हैं, सिंगल पॉइंट है, आप बड़ी आसानी से इस ट्रीटमेंट को कर सकते हैं घर बैठे ही। तो हम बात करेंगे, आपको पूरी वीडियो आप देखिए किस तरीके से हम सीड थेरेपी से, किस तरीके से हम मैग्नेट थेरेपी से इस ट्रीटमेंट को करते हैं, तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। और ये जो ट्रीटमेंट है वो मैं आपको जो ट्रीटमेंट बताऊंगी वो ट्रीटमेंट आप किसी भी एज ग्रुप के लिए कर सकते हैं, चाहे वो टीनेजर्स हों या आगे की एज के हों। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट की, लोकेशन की। तो फ्रेंड्स देखिए, ये पॉइंट आपका इंडेक्स फिंगर साइड में मिलेगा, और मिलेगा कहाँ? मिडिल फिंगर में। इस पॉइंट का नाम है ST39, जो एक्यूप्रेशर जानते हैं फ्रेंड्स, वो ST39 के नाम से इस पॉइंट को जानते हैं। तो आप सबसे पहले इसका लोकेशन देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये हमारा मिडिल फिंगर का अपर पार्ट है और ये मिडिल पार्ट है। इस पार्ट को जब हम साइड से हाफ करते हैं तो ये पॉइंट हमारा मिलता है। देखिए, ये पॉइंट मिलता है, इस पॉइंट से जस्ट ऊपर ये पॉइंट है, इसको हमारा ST39 के नाम से हम जानते हैं इस पॉइंट को। ये पॉइंट क्या करता है कि जो हमारे जो ग्रे हेयर्स हो रहे हैं, यानी कि किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हो रहे हैं या किसी और कमी की वजह से अगर हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो उनको कंप्लीट करता है ये। तो अगर आप 2-3 मंथ्स इस ट्रीटमेंट को करते हैं तो आप इसको इफ़ेक्ट इसका जल्द ही देखने को आपको मिल जाएगा। टीनेजर्स में जल्दी इफ़ेक्ट होता है और धीरे धीरे करके आपके बाल जो है ग्रे होना बंद हो जाएंगे, जितने हैं उतने ही बने रहेंगे और आगे बढ़ेंगे नहीं। तो चलिए, इसमें कैसे हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। लोकेशन आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका मिडिल करेंगे। मिडिल करने के बाद में मिडिल से जस्ट ऊपर ये पॉइंट है, तो इसमें क्या लगा सकते हैं? सबसे पहले हम सीड थेरेपी की बात करेंगे। ये है सीड, ये हमारा देखिए मेथी का दाना है, इसमें लगाना है। तो हम मेथी का दाना इस पॉइंट पर लगाएंगे। अगर आपके पास मैग्नेट नहीं है फ्रेंड्स तो आप मेथी का दाना लगा सकते हैं। उसके बाद में इसको बस प्रेशर देना है मेथी के दाना लगाने के बाद में। ये देखिए, इस तरीके से ये पॉइंट इंडेक्स फिंगर साइड आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैग्नेट भी हम इस पॉइंट पर लगा सकते हैं, जो कि बहुत अगेन बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। अगर आपके पास मैग्नेट नहीं है तो वो सीड थेरेपी, यानी कि आप मेथी का दाना लगा सकते हैं। ये देखिए, आपको क्या करना है, मैग्नेट का जो वाइट टच है वो स्किन पर टच होना चाहिए और ऊपर से हमारा व्यू जो होगा वो येलो होगा। तो कैसे लगाना है देखिए, उसी पॉइंट पे हमको लगाना है। देखिए, इस तरीके से आप इस तरीके से ये ट्रीटमेंट हम करेंगे। उसके बाद में इस सबको लगाने से पहले फ्रेंड्स क्या करना है, आपको इसको थोड़ा सा, आपके पास अगर प्रोब नहीं है, वैसे हम प्रोब से करते हैं ये, अगर आपके पास यानी कि एक्यूप्रेशर टूल से करते हैं, अगर आपके पास पेन भी है तो आप पेन से भी इसको प्रेशर दे सकते हैं। कोई भी पॉइंट लगाने से पहले आप, यानी कि सीड अगर लगा रहे हैं तब भी और अगर मैग्नेट लगा रहे हैं तब भी, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 3 से 4 बार प्रेशर देना है इस तरीके से। ये ट्रीटमेंट फ्रेंड्स दोनों हैंड पे होगा, आपका ट्रीटमेंट का लोकेशन सेम होगा। आपको 8 से 10 घंटे या 10 से 12 घंटे आप इस ट्रीटमेंट को कर सकते हैं, रात में लगा सकते हैं, आप मॉर्निंग में इसको हटा सकते हैं बड़े आराम से। 2-3 मंथ्स आप अगर इस ट्रीटमेंट को लगातार करते हैं तो आपके जो ग्रे हेयर्स हैं वो स्टॉप हो जाएंगे और आपके बालों में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप इस तरीके से अपने कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं इसका इफेक्ट, और लाइक और शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।